सर जी।, जी सर जय भीम नमो बुद्धा सर सभी को पिछले सात महीने से ज्यादा हो गए हम समझाते समझाते कि भाई में जुड़ जाओ जुड़ जाओ लेकिन हमारे लोग जो स्पोक्स हैं मुझे दो दिन से इतना दुख हो रहा है अभी मैं बॉम्बे में हूँ गाड़ी पकड़ रहा हूँ सूरत के लिए वो पांच पांच दस दस हजार रुपए चंदा दे रहे हैं और अड़तीस में राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए जो हमारे सम्मानित स्ट्रोक थे मुझे दो दिन से इतना मेरा तनाव है शरीर के अंदर दर्द हो रहा है कि इनको इतना समझा रहे हैं सात महीने से मत दो इनको चंदा मत दो छह रहे हमारे लिए ये चंदा देना अब जिसको बीस करोड़ रुपए का चंदा पहुंच जाएगा साल में तो वो क्या समझेगा बाबा साहेब के मिशन को और काशीराम जी के मिशन को कुछ नहीं समझेगा वो बिल्कुल बिल्कुल तो यही करते आ रहे हैं हमारे स्पोक भी कर रहे हैं तो हमें इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को तो कि मैं बता नहीं सकता इस बात को तो अभी मैं ये चाहता हूँ की हम सात महीने से हम समझा रहे हैं समर्ण भाइयों को मत दो इनको चंदा ये झेर है सुधीर राजी के, के सात सौ से ज्यादा वीडियो घूम रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आता है फिर भी उनको चंदा दे रहे हैं पाँच पाँच दस हजार भी चंदा दे रहे हैं इसका मतलब हमारे बच्चों को भी वो धकेल रहे हैं नरक में आने वाले और खुद के बच्चों को भी धकेल रहे हैं तो मुझे आ, मैं माफी मांगना चाहता हूँ मैंने दो चार इसको ऐसे जोड़े हैं जो इस काम में वो नाकाबिल रहे हैं और पे है। भी इसमें माफी मांगता हूँ आपके लिए जय भी आप इतने भावुक ना हो आप आप बिल्कुल परेशान ना हो ये तो ये नहीं परेशान, नहीं परेशान नहीं सर मैंने जोड़ा इसलिए मैं माफी मांगता हूं नहीं तो, नहीं कोई बात <laughs> नहीं कोई बात नहीं हम लोग, लोगों को तैयार कर रहे हैं हमारी ड्यूटी है ये ना कितने भी लोग आए जाए लेकिन सर समझाने के बावजूद भी वो आ, आज की डेट में ऐसा कर रहे हैं तो सर थोड़ा दुख तो होता है चुटला, सर आपको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है वो आज सर, नहीं मैं हताश तो आगर में बावन साल हो गया जिंदगी में आज नहीं तो तो कल परसों जरूर यही आएंगे वो कहीं नहीं जाएंगे सर उनको कैसे हम कैसे हम उनको लताड़ेंगे जब तक उनको चंदा देना डेली इस बात को कह रहे हैं मत मत दो दो चंदा चंदा फिर भी दे रहे हैं चंदा तब तक कैसे होगा वो, वो आदत पड़ी हुई है ना सर आदत जल्दी से नहीं लोगों की अरे हमारे लोग भूख से मर रहे हैं एक शिक्षा है वहाँ दे दीजिए जी सर आप बोलने दे 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 शो शो समर सी एल जी देखो उनको इतने साल लगे हैं लोगों का ये ब्रेन वॉश करने में कि उनको पैसा चाहिए लोग पैसा देते हैं और अभी हमें सात महीने हुए हैं ये बात समझे हुए कि जो पैसा हम दे रहे हैं वो तो हमें नुकसान कर रहा है और वो हमें दिखाई दे रहा है तो सात उनका सात महीने में आप अगर उनके पंद्रह साल से रिजल्ट मांगोगे कंपेयर करोगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी क्योंकि उन्होंने मैंने अच्छी तरह से एक बार उनका एक कैडर अटेम्प्ट किया था उस कैडर में उन्होंने पढ़ाया कम और इस बात पर बहुत जोर दिया कि इस काम के लिए हमको पैसा देना है और पैसा देना चाहिए उनका आधा लेक्चर इसी बात पे रहा तो अब मुझे ये समझ में आया कि भाई ये पैसे पे ज्यादा जोर देते हैं और लोगों को जोड़ने पे कम जोर देते हैं ये हमारी सर, मैं के रहा हूं, सर, कि मैं इतना दुखी हूं दो दिन से कि मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं नहीं आपको आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए क्यों तो नहीं आना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है इस सात महीने के अंदर बहुत लोगों को समझ में आ गया देखो आपने नहीं दिया पैसा मैंने नहीं दिया तो जिनको मैं तो बता साल से सब हाँ, जिनको जिनको समझ में आ रहा वो नहीं, नहीं दे रहे हैं थोड़ी देर में बहुत लोगों को ये पता चलेगा या बहुत ज्यादा अगर कोई ऐसा इंसान है जो पैसा दे रहा है तो उससे सिर्फ ये पूछ लो कि कि भाई एक बात बता कि बता किस कि संगठन को कितना पैसा चाहिए हम एक साथ पैसा दे देते हैं जिससे हमारे अधिकार रुक जाए अगर पैसा देने से अधिकार रुकता हो तो हम तुझे दस महीने की सैलरी बारह महीने की अभी दे देते हैं तू हमारे सारे अधिकार रोक दे उसके पास जवाब नहीं होगा कारण क्या है कि ये लोग जो पैसे लेके जाते हैं कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं इनके पास में और फिर पैसा लेके ये करते क्या है पैसा लेने का आज तक किसी ने कोई हिसाब किताब दिया नहीं है बहुत तो ज्यादा ईमानदार भी आदमी हो प्रकाश तो सिंह से बात हो रही थी मेरी प्रकाश सिंह जी यहाँ दिल्ली के अंदर पंद्रह लाख रुपए खर्च करके और एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसका आउटपुट नहीं आएगा और लोगों को दर्द नहीं होता पंद्रह लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो प्रकाश सिंह जी कहने लगे उनको दर्द क्यों होगा उनका पैसा थोड़ी है पैसा तो हमारा है दर्द तो हमें होगा वो तो मजे ले रहे हैं उन्हें तो खर्च करने का मजा आ रहा है उन्हें तो हमारे पैसे को आंधी उसमें पानी तरह बहाने में मजा आ रहा है उनका पैसा होगा तो बेसिकली क्या है कि वो हमसे ये कहते हैं कि बाबा साहब ने ये कहा है कि आपको अपना पांच परसेंट हिस्सा देना है अरे तो भाई तेरे को भी तो देना है सबको देना है हाँ, तो वही संगठन तो 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 देना तो है तो, तो हमसे ले रहा है तू कब देगा अपने पैसे तो वो जितने भी लेने वाले हैं वो देते नहीं है पैसे कहने का मतलब ये एक संगठन कम से कम दो से तीन करोड़ रूपये इकट्ठा कर रहा है मैं इस बात का पूरा हिसाब दे सकता हूँ लेकिन ठीक है करने दो तो उनको लेकिन वो जो संगठन पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उनको बाबा साहब ने देने के लिए कहा था लेने के लिए थोड़ी कहा था भाई ये तो कर रहे हैं वो बेसिकली बाबा साहब ने ये कहा था कि सोसाइटी को देना है अब वो कोई सोसाइटी थोड़ी है अब हमारे लोग इस बात को ना समझे कि जो पैसा हम दे रहे हैं वो तो ग्रुप को दे रहे हैं तो सोसाइटी को नी तो नी समझ रहा रहा है, जो एक मेरी जो दिल की दर्द था मैंने सर बता दिया है ना आप अपने दर्द आप अपने दिल के दर्द को ठीक ठाक करके रखो और क्या बोलते हैं सब लोगों को समझाते रहो इतने भावुक मत हो लड़ाई भावना से नहीं जीती जाती नहीं, सर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ सर। जी, सर। सर। जी सर जी सर प्रकाश जी बोलिए सर भारद्वाद मंडल में मेरे नाम से जाना जाता है संगठन वाले ना बहुत दूर दूर तक के मुझसे पैसा मांगने आते नहीं मेरे नाम से किनारा कर जाते हैं मैं अभी सबको सर रहा तो हूँ पैसा मांगने वाले जितने जितने गिरोह लगे हुए हैं वो मेरे और मेरी जो टीम है उसके नाम से साइडों से निकल जाते हैं उनसे जिक्र भी नहीं करते हैं इसलिए हमें बहुत बड़ा काम करना है इसमें भावुक होकर के बड़ा काम नहीं हो पाएगा सर नहीं 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 सर भावुक नहीं रहा मतलब गुस्सा आता है कि मैंने जो प्रपोज किए थे वो भी ऐसा कर रहे हैं जितना रिलैक्स होकर हम लोग काम करेंगे उतना बड़ा काम कर पाएंगे बहुत बड़ा मैं आज बॉम्बे गया था मैं बॉम्बे से गाड़ी पकड़ूंगा बॉम्बे बैठाऊंगा जी सर पढ़ाइए हाँ रतिलाल जी सर बोलिए सर पच्चीस का प्रोग्राम पिक्षे, पिक्षे, सर तो आपको हाँ सर कि जब से मैं सम्मान संघ से जुड़ा हूँ और जो के हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जो अपने आप को बाबा साहब के चुस्त अनुयायी मानते हैं जो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं वो सब के मेरे पर फोन आए अब मैं नाम नहीं बताऊंगा ये सही नहीं नाम बताना पर कई लोगों के आपके सूरत के और दक्षिण गुजरात से भी कुछ फोन आए मेरे को जी सर और ये सब यही बता रहे हैं कि आप समन संघ में क्यों काम कर रहे हो तो उनको क्या बात खलती है वो भी बता दू मैं आपको वो कह रहे हैं कि जो सुधीर राज जी है वो कहते हैं कि हमारे संगठनों को चंदा मत दो जो आपकी वेदना है जो आपका दर्द है वो हम समझते हैं पर वो लोगों का कहना ऐसा है कि अगर हमारे जो सारे संगठन काम कर रहे हैं रात में अपने विचार फैला रहे उनको चंदा नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे तो ये तो गलत बात है वो लोग ऐसा बोलते हैं तो मैंने उनको समझाया कोशिश किया कि भाई देखो संघ जो काम कर रहा है वो बहुत ही पुरातन समय से जो हमारे नियम बने संके उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं जी सर पैसे की आवश्यकता ही क्या है तो कई लोगों ने मेरे साथ कई विवाद की और कई लोगों ने मुझे समझाया कि आप गलत जगह चले गए हो तो देखिए आपसे क्या सर बिल्कुल आपको समझ क्या आपकी बात मैं समझ गया आपकी पूरा इशारा में समझ गया आपको कहाँ कहाँ समस्या हुई और वो आप जानते हो जिन्होंने आपसे बात की होगी जो कह रहे हैं वो सारे सर तो <coughs> आप जानते हो सर आप आप हमारे आदर्श हो सर कोई बात नहीं बहल सर आइए सर बहल सर एम बहल सर जय भीम नमो बुद्धा एवरीबॉडी जय भीम और मुझे बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों को देखकर मुझे भी मिलता है आज मुझे एक साथी की थोड़ी सी भावुकता से दुख हुआ कि उनको जिन साथियों को उन्होंने पैसे देने से रोका वो पैसे देने से रुके नहीं अः मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा जो संगठन है किसी को कांटेक्ट नहीं करते मैं ये तो अपनी शाबाशी के लिए नहीं कह रहा सारे जितने भी बमशेफ के ग्रुप हैं सारे मुझे जानते हैं और सारे कांटेक्ट करते हैं लेकिन जब से मैं अपने बी द पीपल से जुड़ा हूं मैं उनको सभी को यही कह रहा हूं कि भाई अब मेरे पास समय, ना समय है ना तुम्हारे लिए ना पैसा अगर मेरे पास समय होगा पैसा होगा तो मैं आपके संगठन में आ जाऊंगा और जे जे जो एक्चुअली लोग हैं है, मैंने देखा है मैं सभी से पूछता हूं सुधीर जी से एक बामशेफ की इंटरव्यू भी भेजी थी मुझे पता नहीं, उनने उनने करी नहीं उसमें मैंने उनको साफ साफ कहा था कि मैं इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूं देश विदेश में आपके मैंने प्रोग्राम करवाए हैं लेकिन मुझे एक भी बात बताओ कि हमने अचीव क्या किया है वट हैचीव तो जब मैं ये पूछता हूँ उनको भाई हमने अचीव क्या किया तो फिर वो कह जाते हैं देखो ना हमारा संगठन पहले तीन तीन हजार लोग हम इकट्ठा होते थे आज से बीस साल पहले अब हम छह हजार हो गए सात हजार हो गए हैं जब मैं उनसे ये पूछता हूँ सात हजार सत्तर हजार कब होंगे तो फिर चुप कर जाते हैं क्योंकि अगर पैसा देकर ही या बहुत बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसिस करके ही आ, हमारे लोगों को आ, करके उनकी शक्ति का प्रदर्शन करना होता तो बाबा साहब के पास कितने पैसे थे बाबा साहब के पास कितने मतलब एजुकेटेड लोग थे लेकिन ईमानदार लोग थे और ईमानदार वर्कर थे इसीलिए जब Uh, 18 19 20 जुलाई को आगरा में सॉरी uh, नागपुर में उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी डिप्रेस्ड uh, क्लासेस की ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस की तो 75000 लोग आए थे मैं मेरी जितनी मेरी जानकारी है उस बहुत से लोग जो उसमें आए थे सूखी हुई रोकती रोकटियां अपने मतलब पल्लू में बांधकर औरतें आई जिनको यह था कि हम अपने बच्चों के लिए बाबा साहब के पास जाना है और उसको साथ जो करना है ताकि हमारे बच्चों का भविष्य लिखा जा सके भविष्य बनाया जा सके तो अगर के जितने भी ग्रुप है मैं उनसे जब ये पूछता हूं कि अगर आप लोगों का जो सत्ता परिवर्तन जिसको हम आप कहते हैं यही करना काम है तो फिर आप पैसे के पीछे क्यों भागते हैं एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाओ अपनी ताकत उसको दे दो और उसकी ताकत अपने में ले लो इकट्ठे होकर सारे जिस दिन आप सात हजार से सत्तर हजार हो जाएंगे आज के समय में देखा जाए तो सत्तर हजार भी नहीं हमें सात लाख होना चाहिए तो फिर वो चुप कर जाते हैं पैसा देने में हम जो एनआरआईज लोग हैं वो भी पीछे नहीं है मैंने सुधीर जी को एक कलेक्शन का नोट भेजा था कि अमेरिका से लोगों ने कितना पैसा इकट्ठा करके पंजाब के लोगों को दिया कि वे वो बीएसपी में अपना योगदान डालें और बीएसपी को शासक बनाए तो मुझे लग रहा है कि भाई पैसा देने की जो सुधीर जी बात कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया है जब तक हम पैसा देते रहेंगे वो हमारे पैसे के लिए ही हमें याद करते रहेंगे हमारा कोई काम नहीं करेंगे और पंजाब में पैसे की जरूरत नहीं है पंजाब में चौतीस परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट है और जिस दिन वो चौथी परसेंट ये रियलाइज कर लें, जे मान लें कि हमें इकट्ठे होकर सत्ता लेनी है तो पैसा हो चाहे ना हो सत्ता अपने आप आ जाएगी लेकिन इकट्ठे ही नहीं हो रहा है पैसा बहुत जा रहा है विदेशों से लेकिन उससे पैसे से बात नहीं बन रही इसलिए हमें पैसा रोकना है दूसरी बात मुझे एक आप लोगों को अच्छी भी बात बतानी है कि वो ये है कि बाबा साहब कहते थे कि धन है वो लोग जो अपने बीच के लोगों के लिए जिनके बीच वो पैदा हुए उन लोगों के बीच में हर मुश्किल से हर मुसीबत से हर यानी कठिनाई से गुजरते हुए उनके लिए और उनकी फ्रीडम के लिए उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं वो धन है तो हम मैं समझता हूं कि जे जितने भी अपने पीपल uh, से लोग जुड़े हुए हैं ये सारे मैं इनको कहता हूं कि बहुत है, बहुत कौन आ, लोग मुझे, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि रोज आप तीन -तीन घंटे इकट्ठे होकर इस पे विचार कर रहे हैं आप तीन तीन घंटे इकट्ठे होकर अपना समय दे रहे हैं और अपने परिवार से भी दूर बैठकर इसमें योगदान दे रहे हैं इतना बड़ा बलिदान देने वालों को मैं धन्य ना कहूं तो और क्या कहूं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है आप लोग सुक्सीड होंगे हमें कोई रोकने वाला नहीं है हमारी जो ये दास्ता है जिसके बीच में हम फंसे हुए हैं मैं तो मैं तो बहुत बार ये कहता हूं कि साथियों अपनी दास्ता बहुत पुरानी है और जिनको मैं सुनाना चाहता हूं वो सुनना चाहते नहीं लेकिन मैंने भी बार बार सुनाने की ठानी है इसीलिए मैं बार बार आपके बीच में आता हूं उनको सुनाता हूं लेकिन मुझे उम्मीद है जितने लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं डेली मैंने किसी संगठन के साथ इतने लोग कभी जुड़ते देखे नहीं है मैंने सारे बहुत से संगठन जो वामशेप के साथ हैं जब वामशेप के बगैर भी हैं उनमें भी काम करके देखा है हर हर संगठन जो है अपने अपने दो चार सौ लोगों के बीच में ही सीमित है लेकिन हम आ, मुझे लगता है कि एक दिन हम इकट्ठे होके जब आ, साल बाद या डेढ़ साल बाद आ, हम भी कभी एक कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मैं वादा करता हूँ सात हजार आठ हजार दस हजार लोगों के साथ हम उस कॉन्फ्रेंस को अः मंजिल मकसद पर लेके जाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ इसी उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों से आ, विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमें आ, निराश नहीं होना है उदास नहीं होना है हमें रुकना नहीं हमें झुकना नहीं हमें डरना नहीं सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें इकट्ठे होना है जिस दिन हमारी ताकत दुश्मन को नजर आ जाएगी वो अपने आप ही जहां अभी अभी जोगिंदर जी कह रहे थे शायद कि भाई जहां तो शेर ही शेर मुझे नजर आते हैं जहां शेर नजर आने शुरू हो जाएंगे साठ सत्तर हजार वहाँ गिदड़ों का क्या काम रह जाएगा धन्यवाद जय जाए भीम साधुवाद बहल साहब साहब आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है कि हम सब लोग जुड़ने जोड़ने की बात करते हैं और व्हाट्सएप पे जुड़ते भी हैं वो यदि व्हाट्सअप बंद कर देंगे तब क्या करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट आज का जो हमारे भंते धमदीप जी हैं उन्होंने एक सवाल किया और वो सवाल बहुत वाजिब सवाल है उनका और इस वाजिब सवाल पे इस अच्छे सवाल पे पहले भी हम काम कर चुके हैं और वो काम चल रहा है जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आएगी या कहीं भी कोई दिक्कत आती है सबसे पहले नेट बंद होता है फिर टेलीफोन बंद होते हैं ज्यादा परेशानी हो तो बिजली और पानी भी बंद हो जाते हैं सड़कें बंद हो जाती हैं और कभी कभी पूरा पूरा लॉकडाउन भी हो जाता है जिसको कर्फ्यू बोलते हैं जायज स्थिति हो तो कोई बात नहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ठीक है मगर अगर नाजायज स्थिति हो जहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के अलावा कोई और मकसद हो वहां के लिए दिक्कत है मगर हमको ये याद रखना चाहिए कि पुराने लोग कैसे करते थे जब ना टेलीफोन था ना बिजली था ना सड़कें थी ना मोटर वाहन थे ना स्कूटर था ना कार था ना साइकिल था तब लोगों ने क्या किया उस समय लोगों ने एक इंटरनेट बनाया आज का इंटरनेट तो हवा में चलता है जिसपे हम बातचीत कर रहे हैं और उस समय का जो इंटरनेट था वो लोगों का लोगों के द्वारा बनाया हुआ और लोगों के लिए था कोई भी घटना होती थी तो गांव का सबसे तेज तो धावक है दौड़ने वाला है उसको भेजा जाता था या जो ड्रम सेट है ड्रम बजा बजा कर आवाज की जाती थी ड्रम की आवाज आती थी एक ड्रम नगाड़ा बजा इस गांव में तो दूसरे गांव का नगाड़ा बजना शुरू होता था कि तीसरे फिर तीसरे गांव का नगाड़ा फिर चौथे का नगाड़ा वो नगाड़े आज भी हरियाणा में उत्तर प्रदेश में देखे जा सकते हैं खास तौर से वो होली पे या किसी ना किसी फंक्शन में बसते हैं तो कहते हैं नगाड़ा बज गया नगाड़ी की आवाज आ गई या फिर तुरई आ गई ये वो इंटरनेट और नेट की सारी भाषाएं और सिंबल हैं जिनसे हम बहुत तेजी से एक साथ इकट्ठे हो जाते थे जुड़ जाते थे कि कोई मुसीबत कोई आफत आ गई तो सारा गांव सारा कुनवा सारा तुरंत एक जगह इकट्ठा होता था और वो जगह भी पहले से तय होती थी मुसीबत आएगी तो कहां इकट्ठे होंगे जहां कॉमन चौपाल है वहां इकट्ठे होंगे और ये इंटरनेट खाली मनुष्य ने नहीं बनाए हैं ये इंटरनेट जानवरों के भी बने हुए हैं जो हाथी है वो अल्ट्रावायलेट जो साउंड है उनको छोड़ता है अल्ट्रासाउंड को छोड़ता है और जो अल्ट्रासाउंड है उसको मशीनें पकड़ लेती है आदमी नहीं पकड़ सकता और वो अपने हाथियों से या दूसरे कुनवों से उस वेव्स के थ्रू जो अल्ट्रासाउंड होती है दूर दूर तक संपर्क कर लेते हैं आदमी के कान नहीं सुन पाते उसको मशीनें जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो सुन लेती है इसलिए ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को हमेशा अपने आंखों के सामने रखना चाहिए आपके आंखों के बीच में जो नाक के ऊपर स्थान है जहां आप अपने आप को महसूस करते हैं और जहां आप अपने आप को पाते हैं जो बिंदी का निशान होता है या तिलक का होता है उस जगह इसको हमेशा प्रश्न को रखें कि ऐसी इमरजेंसी में के लिए आपको क्या करना है हम दरअसल स्टार्ट हो रहे हैं जूम मीटिंग से इससे पहले 2014 उससे पहले भी लगातार लगातार बातचीत हो रही है मगर अब हम जूम मीटिंग से स्टार्ट हो रहे हैं मगर जूम मीटिंग से ऊपर से हम उतरते उतरते नीचे आ रहे हैं कैसे नीचे आ रहे हैं अब हम जो स्टेट है उनके जिलों में मीटिंग, की जो राजधानी है, उनके जिलों में भी मीटिंग हो है फिर जिलों से हम नीचे आएंगे मंडल से जिले में जिले से ब्लॉक में फिर तहसील में और फिर गांव में आएंगे फिर घर तक पहुंचेंगे ये जो इंटरनेट है हमारा मनुष्य का वो घर से आरंभ होता है यानी आप अपने घर के कितने पड़ोसियों को जानते हैं और उनको कितना आपने जोड़ा है यहां जो एक सौ लोग हैं अगर ये अपने घरों के आसपास में दस दस लोग नहीं जोड़ पाते हैं पांच पांच लोग नहीं जोड़ पाते हैं तो इनकी पिटाई होना निश्चित है ये पिटेंगे भी ये खत्म भी होंगे ये मारे भी जाएंगे और अगर अपने घर के आसपास पांच पांच दस दस लोगों को बातचीत करते रहते हैं उनको चाय पिलाते रहते हैं उनसे मिलते रहते हैं उनसे हेलो हाय करते रहते हैं उनसे भाईचारे का व्यवहार करते रहते हैं उनसे सारी बातें करते रहते हैं और उनको प्रेरणा देते रहते हैं जुड़ना है जुड़ना है बड़े फायदे हैं तो इन लोगों को कोई नहीं मार सकता हमारे जीवित रहने का कारण यही है कि हमारे पास खाना नहीं था हमको मरे हुए जानवर का मांस देखना पड़ता था कि कहाँ है किसी गांव के बाहर नाले में या पोखर पे या बीहड़ में या जोड़ में कहीं जहां हमें धकेला गया वहां हमारे घर होते थे और उन घरों में खाना नहीं होता था क्योंकि हमारे खेत कब्जा लिए तो बैठे हुए बुजुर्ग और बच्चे देखते थे कि आकाश में कहां पर चील और कौवे उड़ रहे हैं और जैसे ही चील और कौवे मडराते हुए दिखाई देते थे पूरा गांव उधर को भागता था कि जो चील कौए मडरा रहे हैं वो किसी मरे हुए जानवर में मडरा रहे हैं इससे पहले है कि वो चील कहुए इस मांस को खा जाए हम उस जानवर का मांस ले आए तो आज हमारा भोजन हो जाएगा जानवरों की बहुत रेज रही है यहाँ पर जानवर बहुत ज्यादा है क्योंकि भारत में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जानवर हैं क्योंकि सबसे ज्यादा खेती है सबसे ज्यादा जमीनें हैं सबसे ज्यादा वर्षा होती है सबसे ज्यादा मौसम है सबसे ज्यादा हरियाली है इसलिए सबसे ज्यादा जानवर भी हैं तो उन जानवरों की मौत से जो मांस मिलता था उसको खा खा के हमारे लोग जिंदा रहे आज हम जिंदा रहे तो वो जिंदा रहने का कारण यही था कि वो कुर्वे में रहे बेशक धकेल दिए है एक साथ रहते थे जानवर का मांस मिलकर खाते थे वो जो नेट था वो जो इंटरनेट था वो जो भाईचारा था वो भाईचारा हमारा चला गया हमें जो मरेगा मांस वो तो छूट गया बाबा साहब ने कहा कि मरे का मांस मत खाओ हमने छोड़ दिया तो जो जानवर कट के आता है उसको खाने लगे या जो वेज खाना है वो खाने लगे बाबा साहब ने कहा कि पढ़ो हम पढ़ने भी लगे बाबा साहब ने हमको जो जो कहा वो किया मगर बाबा साहब की सारी बात हमने नहीं मानी इसलिए हमारी खुशहाली आते आते फिर हमारी बदहाली में बदलती चली गई बाबा साहब ने कहा इकट्ठे रहना है ऑर्गेनाइज रहना है वो काम नहीं किया हमने बाबा साहब ने कहा था एजुकेटेड रहना है वो काम नहीं किया हमने बाबा साहब ने कहा था कि एजिटेट करना है वो काम नहीं किया हमने बस आरक्षण ले लिया फायदा ले लिया दाढ़ी मुझे बढ़िया बढ़ाई कोट पैंट टाई पहनी बड़े बड़े पक्के घर बना लिए दो चार बीघे जमीन बना ली कहीं बैंक में कुछ पैसा जमा कर लिया एक आध अंगूठी कंगन खरीद लिया एक आध लड़का कोई लड़की कोई बाहर चले गए पढ़ने के लिए तो उसी पे इतराते उठलाते फिरते हैं और ये पता नहीं है कि मौत का पूरा इंतजाम हो गया है इसलिए जो भंते जी कहते हैं कि अगर नेट बंद हो जाएगा जूम बंद हो जाएगा तो आप मीटिंग नहीं कर सकते और ये बंद कभी भी हो सकता है ये कंपनियां भी अब यहां लोगों ने खरीद ली हैं, जिसमें शेयरिंग हो गई है अब आप वीडियो पे वीडियो तो डालेंगे यूट्यूब पे मगर आपकी वीडियो आगे तक नहीं पहुंच रही जो वीदा पीपल है उसकी वीडियो भी अब आगे नहीं जाती है आप लोग भेजेंगे बार बार आगे फॉरवर्ड करेंगे तो जाएगी तो भी वो लॉक लगा देते हैं कि इस वीडियो को आगे नहीं जाना तो वो दिखाई भी नहीं देगी या वो दिखाई भी देगी तो डिस्टर्बेंस आएगा तो खुलेगी भी नहीं और जिसकी वीडियो वो भेजना चाहेंगे जिसकी पोस्ट भेजना चाहेंगे उसकी आप ना भी खोलेंगे तो वो आपकी मोबाइल में बार बार आएगी और खुलेगी ऐसा सिस्टम बहुत पहले से बना हुआ है इसलिए ये सोचना कि जूम हमारा है व्हाट्सएप हमारा है फेसबुक हमारा है या ये कंपनी बाहर की है या अंदर की है कोई भी कंपनी सरकार के दबाव से बाहर नहीं है जिस भी पोर्टल को जिस भी चीज को चाहे तो मिनट में बंद कर सकती है इसके भरोसे मत रहना ये तो जब तक इसका फायदा हो रहा है तब तक इसका फायदा लेना है क्योंकि ये गाजर का संख है जब तक बचता है बजाओ और जब ना बजे तो इसको खा जाना तो इसके ऊपर नहीं रहना है तो हमें वही पुरानी पद्धति पर जाना है जो हमारे भाईचारे की है जो हमारे कामयाबी का पूरा हमारा गारंटी है उस पद्धति में आप देखेंगे कि बुद्ध जैसा संपन्न व्यक्ति सिद्धत्त गौतम जैसा संपन्न व्यक्ति जिसके यहां एक हजार बैल चलते थे जब धान बोया था यानी कि वो उसमें एरिया में सबसे ज्यादा जमीन वाला आदमी था उस व्यक्ति ने जब क्रांति करने का सोचा बदलाव करने का सोचा और चीजों को पलटने का सोचा तो छह साल तक अध्ययन किया तो बदलाव कहां से करता है सबसे पहले अपने आप से और फिर अपने आप पर नहीं रुका उसने क्रांति की है तो क्रांति में तो पूरे परिवार को लगाना पड़ता है तो उसने पूरे परिवार को लगाया माँ को भी सिखाया पत्नी को भी सिखाया छोटा सा बेटा था उसको भी सिखाया सारे भाई लगा दिए बहने भी लग गई पूरा परिवार लगा तब लोगों को यकीन हुआ कि ये, ये व्यक्ति कुछ क्रांति कर सकता है लोग उसके पास आते गए सबसे पहले अपने परिवार सबसे पहले अपने भाई को ढूंढा जो पांच लोग जो सबसे पहले ढूंढे थे उसमें महानाम भाई था तो जो क्रांति और जो परिवर्तन आरंभ होता है वो पड़ोसियों से नहीं होता जो लोग ये सोचते हैं कि पड़ोसी को सिखा दें उसके बेटे को सिखा दें उनको मरने के लिए तैयार रहना चाहिए उनको पिटने के लिए तैयार रहना चाहिए जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी बीबी और मेरे बच्चे से शुरू होगा उनको आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए वो जिंदा भी रहेंगे और वो आगे भी बढ़ेंगे इसलिए हमें हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए और इन चीजों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए एक माध्यम है जितनी देर मिल रहा है मिल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है इसलिए दिल्ली के अंदर जो आर के बौद्ध जी हैं उन्होंने सभी जितने भी सर्कल चल रहे हैं उनके एड्रेस मंगा लिए भाई सारे अपने एड्रेस भेज दो तो लोगों ने कहा एड्रेस किस लिए चाहिए अरे भाई फोन बंद हो जाएगा नेट बंद हो जाएगा तो तुमको कहाँ ढूंढेंगे फोन पे और इंटरनेट पर तो मिलते हो जब फोन ही नहीं रहेगा इंटरनेट रहेगा तो कैसे संपर्क करेंगे कैसे भाईचारा करेंगे कैसे मिलेंगे कैसे दुख दर्द बांटेंगे तो वो यहां सबके एड्रेस लेकर सबके एड्रेस वाइज लोगों को दे रहे हैं कि देखो तो तुम्हारा पड़ोसी ये है तुम्हारा पड़ोसी ये है तुम्हारे पास में ये है तुम्हारे पास में ये है ये हमारा पुराना तरीका है हमको उसी तरीके पे आना है अब आप कितनी जल्दी बचना चाहते हैं और कितनी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं और कितनी जल्दी अपनी सुविधा लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर है अगर आप सुबह का और शाम का टाइम फालतू में निकाल देते हैं और अपने पड़ोसियों से नहीं मिलते अपने मोहल्ले में नहीं जाते वहां की लिस्ट नहीं बनाते वहां के एड्रेस नहीं बनाते और उन लोगों को यहाँ समर संघ के बाकी लोगों से नहीं जोड़ते तो फिर मरने के लिए पूरी तरह से आप इंतजाम कर रहे हैं फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है क्योंकि लोग बचाने आएंगे आपको हवा बचाने नहीं आएगी कि जूम मीटिंग बचाने नहीं आएगी आपको जूम मीटिंग में जो लोग हैं वो बचाने आएंगे तो उन लोगों से संपर्क तो आपको एक्चुअल करना पड़ेगा फिजिकल मीटिंग करनी पड़ेगी यहाँ बात बहुत अच्छी लग सकती है कोई बहुत अच्छा यहाँ बात को रख सकता है कोई गाना बहुत अच्छा सुना सकता है कोई यहाँ आश्वासन दे सकता है मगर कोई चीज लेने देने के लिए या कोई मिलने जुलने के लिए तो उसके पास जाना ही पड़ेगा वही तो नियम है ये तो सिर्फ एक माध्यम है इसलिए इसकी जितना तेजी से इंतजाम कर सकते हो कर लो इसका इंतजाम कोई बताने नहीं आएगा आपको कोई समझाने नहीं आएगा और नेता तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि नेता को तो ये पता है कि क्या होने वाला है इसलिए वो अपने अपने में लगा पड़ा है अपने अपने में लगा पड़ा है और जो अपने अपने में नहीं लगा पड़ा है और फिर भी वही काम कर रहा है तो वो बेवकूफ है नेता बनने के लायक नहीं यहां एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में ये कहा था कि हमारे किसी आदमी से जो विदा पीपल में यहाँ आया दो आदमी तो एक आदमी दूसरे से कुछ पैसा ले गया कुछ कार्यक्रम करने के लिए कुछ कार्यक्रम लगा रहा है साल में कार्यक्रम करता है इवेंट का कार्यक्रम है उसमें उसका चेहरा चमकता है उसकी नेतागिरी चमकती है उसका ग्रुप चमकता है तो उस आदमी ने कहा जी कि वो आदमी विदा पीपल में है और मेरे से पैसा ले गया तो हमने वीडियो बनाया था कि भाई आपने पैसा दिया क्यों आप अगर अपना घर को लुटा के लुटाना चाहते हो पैसा देना चाहते हो तो दे दो इसमें विद पीपल क्या कर सकता है आपको कितनी बार मना किया है कि आप संगठनों को जब तक पैसे मत दो जब तक वो इकट्ठे ना हो जाए क्योंकि पैसा उनको देना हमको नुकसान है आप इमोशंस में मत आओ आप भाव में मत भाव आप भावना में मत आओ बाबा साहब अंबेडकर ने कहा जो रिसोर्सेस हैं और जो टाइम है उसका बीसवा हिस्सा देना है इसको ध्यान से सुन लो आप बार बार उन्होंने दो बार कहा है पंद्रह अगस्त उन्नीस छप्पन को भी कहा है पंद्रह अक्टूबर उन्नीस छप्पीस को तो वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि रिसोर्सिस का और टाइम का देना है पैसा नहीं बोल रहे वो और देना किसको है पे बैक टू सोसाइटी यानी सोसाइटी को देना है तो सोसाइटी को देने के लिए कहा है संगठन को देने के लिए नहीं कहा है तो लोगों ने क्या किया बाबा साहब के उस आदेश पे एक तो उन्होंने सेंटेंस बदल दिया उन्होंने कहा पे बैक टू सोसाइटी करना है बाबा साहब ने कहा है तो पैसा दो अरे भाई पैसे के लिए कब कहा रिसोर्सिस जो संसाधन है वो देना है संसाधन में एजुकेशन है जो आपने पढ़ा है बच्चों को पढ़ाओ जो आप काम जानते हो बच्चों को सिखाओ जो आप को कोई मेहनत कर सकते हो तो बच्चों के साथ करो जाके उसको सिखाओ जो आपके पास में कोई जानकारी है बच्चों को दो जो आपके पास में खाना है बीसवा हिस्सा दो फिर लास्ट में जो आपने कमाया है उसको देना है और टाइम जितना है उसका बीसवा हिस्सा देना है मगर देना है सोसाइटी को संगठन को नहीं देना है लोगों ने संगठन बना लिए और खूब बड़े बड़े बैनर लगा दिए बाबा साहब ने कहा है पांच परसेंट यहां धर पांच परसेंट देगा और एजेंट छोड़ दिए उन एजेंटों को कह दिया जाके डराना धमकाना और कहना बाबा साहब ने कहा है पांच परसेंट दे तो वो पांच परसेंट आपसे एजुकेशन नहीं मांगते वो पांच परसेंट आपसे टाइम नहीं मांगते वो पांच परसेंट आपसे जो आपको एजुकेशन शिक्षा है जो आपके पास रिसोर्सिस हैं वो नहीं मांगते या जो खेत खलियान बाग हैं या फल फ्रूट है वो नहीं मांगते वो सीधा सीधा पैसा मांगते हैं धंधा है जबकि बाबा साहब ने तो पैसे के लिए कहा ही नहीं रिसोर्सेस में कहा पैसा आता है रिसोर्सेज में मगर बहुत सारी चीज आती है इसलिए लोगों ने सोसाइटी की बजाय खुद लेना शुरू कर दिया अरे भाई सोसाइटी के लिए कहा है तो सोसाइटी तो एक ही होगी ना अब सोसाइटी उनतीस लाख तो है नहीं जब पे बैक टू सोसाइटी करना है तो सोसाइटी तो उनतीस लाख तो हो नहीं सकती चार लाख तो एक्टिव सोसाइटी हो नहीं सकती चार सोसाइटी तो हो नहीं सकती तो सोसाइटी तो एक रहेगी तो कितनी समझदारी से बाबा साहब ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी है और कितनी नालायकी से हमारे लोगों ने कह दिया पे बैक टू संगठन पे बैक टू ग्रुप पे बैक टू संगठन अरे पे बैक टू संगठन कहोगे और पे बैक टू ग्रुप का हो तो कोई ना दे पैसे और जब कहते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी तो, तो बाबा साहब का आदेश मान के देते हैं तो लोगों को यह समझ में नहीं आया कि ये पे बैक टू तो सोसाइटी हो रहा है या पे बैक टू तो ग्रुप और पे बैक टू तो संगठन हो रहा है और पे बैक टू तो सोसाइटी के नाम पे भी हजारों खुले हुए हैं धंधा बना हुआ है अभी एक आदमी ने यहा कार्यक्रम किया दस लाख रुपया खर्च किया तो वो कहते हैं कि कार्यक्रम बड़ा सफल रहा भाई क्या सफल रहा क्या चीज वापस आ गई क्या चीज वापस आने की गारंटी होगी कैसे सफल हो गया बस चार लोग आए भाषण हुए फोटो खींचे सफल हो गया बस लोग देने वाले भी कमाल के हैं और जो सफलता की गारंटी कहते हैं वो भी कमाल के अभी कुछ लोग और कार्यक्रम कर रहे हैं वो पूरे साल जगह जगह लोगों को पढ़ाते हैं समझाते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि तो जब वो पढ़ाते हैं और समझाते हैं तो वो अपना पैसा लगाते हैं अपने रिसोर्सेज से जाते हैं अपने वाहन से जाते हैं वहां लोगों को किताबें बांटते हैं पढ़ाते हैं उनको पूरे साल मगर साल के अंत में पूरा वसूल लेते हैं कैसे वसूल लेते हैं कहते जी हमने आपको पूरे साल हम आपके पास आए हमने कार्यक्रम लगाया अब हमें एक विशाल कार्यक्रम लगाना है उसके लिए हमको पंद्रह लाख रुपया खर्च करना है पंद्रह लाख रुपया खर्च करते हैं तो पंद्रह लाख रुपया इकट्ठा करते हैं वो समाज से और उसको उड़ा देते हैं गाजे बाजे में और इसमें और उसमें तो कहते हैं हमने पूरे साल काम किया तो उसकी फीस ले लेते हैं तो कहाँ पे बैक टू सोसाइटी हुआ कौन सा आपने बाबा साहब का आदेश माना बाबा साहब ने कब कहा था कि पूरे साल तो आप मेहनत करना पे बैक टू सोसाइटी की तरह जैसे मैंने कहा है और लास्ट में तुम तो उनसे भरोसा करके और उनसे पैसा ले लेना और फिर एक बड़ा कार्यक्रम करना और उसको उड़ा देना ऐसा ही भाई बड़ा कार्यक्रम करना था तो पे बैक टू सोसाइटी एजुकेशन का ही करना था जो करते आ रहे हो तो ये लोग हमारे समझ नहीं पाते और उसका कारण ये है उसका नतीजा ये है कि हम ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे उतरने लगे फालतू की बातों में लग गए फालतू की चीजों में लग गए काम की बात छोड़ दी अधिकतर लोग विचार रखते हैं पर हमको काम रखना है विचार नहीं रखना है विचार रखने का सेंटेंस बदलना है यहां जो हमारे एंकर हैं वो एंकर इस बात को समझ लें कि वो अपनी भाषा बदल लें जब वो किसी को बुलाएं तो वो कहे कि भाई साहब आप अपना काम रखिए विचार मत रखिए दरअसल विचार बाबा साहब के हैं वो चल रहे हैं विचार बुद्ध के हैं वो चल रहे हैं उनसे अच्छे विचार नहीं है किसी के महापुरुषों के सबसे बढ़िया विचार हैं और हम उनको बताने वाले प्रवक्ता हैं यानी हम स्पोक हैं उन्हीं के तो विचार बताते हैं कौन सा नया विचार लेके आए एक भी तो आइटम हमारी नई है नहीं समर संघ है तो वो महापुरुषों का है बुद्ध से पुराना है बुद्ध से पहले हमारे दादा दादी का है हमारे बाप दादा का है जो ट्रेडिशन है सारे जो नियम है उसमें वो सारे वही हैं वो जो नियम बुद्ध ने बनाए विनय पीटक में और जो त्रिपिटक में बनाए वही संविधान में बाबा साहब ने डाले वही कबीरदास जी बोलते हैं वही रविदास जी बोलते हैं वही ज्योतिबा फुले बोलते हैं वही पेरियार साहब बोलते हैं कौन सा नया विचार है कौन नया विचार देगा खामे खा लोग पीएचडी और डिग्री कर करके नए नए विचार नई नई चीजें लेके आते हैं और और चीजें खराब कर देते हैं जो पुराना है उसी को नए तरीके से काम करना है पहले पैदल करते थे अब साइकिल पर करते थे फिर बाद में फिर मोटरसाइकिल पर अब कार में करो अगर है तो किसी और की कार में बैठोगे तो पैसा देना पड़ेगा श्रवण संघ का नियम है अपनी कार में तो आप अपने रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो मगर दूसरे में देना पड़ेगा तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको समझना चाहिए और इनको बदलना चाहिए इनको नहीं बदलेंगे तो हम इनमें ट्रैप है फंसे हुए हैं इसलिए हमको फंसना नहीं है हमको इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से जुड़ना है हमको ह्यूमन नेट बनाना है ह्यूमन इंटरनेट यानी कि मानव श्रृंखला मानव चैन मानव जाल बनाना है हमको अपने लोगों का जाल बनाना है हमको जाल और ऐसा जाल बनाना है कि अगर मुसीबत आ जाए और नेट बंद हो जाए बिजली बंद हो जाए पानी बंद हो जाए तो हम पड़ोस में बस चार कदम जाके अपने व्यक्ति से मिल लें अगर दस लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो मुसीबत मुसीबत नहीं रहती फिर वो फिर वो मनोरंजन हो जाता है और अगर अकेला आदमी हो तो मनो रंजन भी मुसीबत बन जाता है इसलिए इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रहे किसी का कोई ईगो हो कोई अहम हो किसी वहम में हो तो वो छोड़ दे पुराने समय में राजा रहे हम सम्राट अशोक के समय में हम ही समर् रहे हैं और वो भी समर्थ थे सम्राट अशोक के समय में और सारे के सारे जितने भी समर्थ थे आज धूल चाट रहे हैं क्योंकि संघ चला गया क्योंकि बात नहीं मानी क्योंकि खुद के रिश्तेदारों से ही आग लगी पड़ी है खुद के अड़ोसी पड़ोसी से आग लग लगी पड़ी है खुद के रिश्तेदारों में ही ईगो अहम और वहम पाल रखा है और वो ईगो अहम वहम सब खत्म होने वाले हैं और ये ईगो अहम वहम कहाँ से आए हैं बाबा साहब के आरक्षण से आरक्षण से नौकरी मिली कहाँ तो गाँव में रोटी खाने को नहीं थी और कहा ब्रेड और बटर मिलने लगे और फिर दारू की बोतल ली और फिर कार खरीदी स्कूटर खरीदा और दिखाया किसको सबसे पहले उनको दिखाया जिनका हिस्सा लेके आया यानी अपने गांव में अपने लोगों को दिखाया जाके कि देखो हमारे कपड़े देखो देखो हमारी दारू की बोतल देखो देखो हमारा स्टाइल देखो अरे उनको क्या दिखा रहा है भाई उनके हिस्से का तेरे को मिला हुआ है इस बात को समझ के कैसे मिलता है अगर पूरे भारत के अंदर हमारी आबादी छह करोड़ थी उस समय जब टोटल आबादी हाँ तीस बत्तीस करोड़ हुआ करती थी तो जो छह करोड़ आबादी हमारी आबादी थी उस छ करोड़ का जो परसेंटेज बना उस परसेंटेज के आधार पे कुछ नौकरियां बनी एक लाख नौकरी में से पंद्रह हजार नौकरी हमारी बनी तो जो पंद्रह हजार नौकरी मिली वो छह करोड़ लोगों की नौकरी है अगर उनकी संख्या छह करोड़ ना होकर तीन करोड़ होती तो फिर हमको सात परसेंट मिलता तो इसलिए छह करोड़ थे इसलिए पंद्रह परसेंट मिला चौदह परसेंट मिला तो चौदह परसेंट उनका प्रतिनिधित्व है उनका रिप्रेजेंटेशन है जो संख्या हमारे परिवार की है उस संख्या परिवार की मिली है उसमें कुछ नौकरियां दी हैं उसमें कोई भी आ सकता है जिसको पढ़ने का मौका मिला उसको नौकरी मिल गई इसको पढ़ने का मौका नहीं मिला नौकरी उसकी भी है क्योंकि उसके हिस्से की है इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अरे मूर्खों अगर ज्यादा नहीं दे सकते हो तो बीस हिस्सा तो दो पांच परसेंट तो दो वैसे तो ज्यादा देना चाहिए तो समय ज्यादा देना चाहिए तो रिसोर्स ज्यादा देना चाहिए पर इसमें भी एजेंट आ गए इसमें भी कमीशन खोर आ गए समाज से पैसा लेते हैं और संगठन में चला जाता है समाज के नाम पर लेते हैं पे बैक टू सोसाइटी और चला जाता है पे बैक टू ग्रुप में और अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं और वो ग्रुप समाज नहीं है वो तो ग्रुप है वो सारे ग्रुप मिलेंगे तो समाज बनेगा संघ बनेगा बस इसी बात के लिए हम कवायद कर रहे हैं इसी बात की यहां कर रहे हैं कि भाई इसको संघ बना लो इसलिए सबसे पहले पैसा रोको पैसा रोकना आसान है तो इमोशनल मत हो के भाई पैसा दे रहे हो पैसा दोगे तो बच्चे मर जाएंगे तो पैसा देना खुद भी बंद करो और इस बात को टेलीफोन से पोस्ट से वीडियो बना के जगह 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 कहो पैसा देंगे तब इकट्ठे होकर आओगे तब अब यकीन मानना कि अगर आपने पैसा देना बंद कर दिया तो वो इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हमें यहां जूम पे एक आदमियों को बैठ के मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा काम आसान हो जाएगा हम रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि जैसे ही हम इकट्ठे होंगे वैसे ही सारी चीजें हमें मिल जाएंगी हमारी पिटाई बंद हो जाएगी हमारे अधिकार मिल जाएंगे और जो संविधान में हमारे अधिकार जा चुके हैं वो वो उसी दिन पास हो जाएंगे जिस दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे ऐसा पहले भी हो चुका है जब दो अप्रैल अट्ठारह को हमारा एक अधिकार चला गया तो बस हम इकट्ठे हुए बस इकट्ठे हुए थे और वो अधिकार वापस आ गया और जब किसानों के अधिकार चले गए और अधिकार भी क्या गए सिर्फ उनका तो जो बिल है वही पास हुआ था कोई अधिकार नहीं गया मगर वो बिल पास होती ही सतर्क हो गए और सारे संगठन इकट्ठे होकर संघ बनाया और जीत के कुछ नहीं किया उन्होंने बड़े शांति से जीते ना उन्होंने पुलिस को कुछ कहा ना सरकार कुछ कहा बस बैठे रहे इकट्ठे रहे बैठे रहे इकट्ठे रहे उनका नेटवर्क अच्छा है वो आपस में पहले से मिलते आ रहे हैं ये ठीक ऐसे है कि जो शांति के समय ज्यादा मेहनत करता है उसको युद्ध के समय मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको जब विपत्ति आती है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर आपके बंकर बने हुए हैं जमीन के अंदर तो कभी भी युद्ध छिड़ जाए सैनिक उसमें अपनी जान बचा लेता है मगर अगर युद्ध छिड़ जाए और आप तभी मिट्टी खोद के गड्ढे बनाओगे हमको इसमें छुपना है तो मारे जाओगे क्योंकि तो गड्ढे बनाओगे या उधर शत्रु आ जाएगा मार देगा इसलिए अगर अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो भी संविधान है जब तक संविधान है तब तक आप जुड़ जाइए अगर तब तक आप जुड़ गए तो संविधान आपको बचा लेगा और संविधान के जाने के बाद अगर आप जुड़े तो फिर नहीं बच सकते फिर तो वही स्थिति हो जाएगी कि युद्ध हुआ और आप गड्ढे खोदने निकले फिर खोदते रहो भाई गड्ढे इसलिए इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना काम कीजिए और काम ही करना है अब बातें मत कीजिए अपने विचार को अपने ख्याल को मत रखिए यहां भी बार बार ये बताइए हमने पड़ोस में दो आदमी जोड़ लिए जब भी अपना टोटल सुने हम तीन आदमी जोड़ लिए हैं हमने पांच जोड़ लिए हैं या नंबर दीजिए किस किसके कहा का जुड़ गए हैं अपने अपने मोहल्लों में लिस्ट बना लीजिए हमारे मोहल्ले में ये ये आदमी है ये ये आदमी है अपने गांव में लिस्ट बना लीजिए अपने शहरों में बना लीजिए जिंदा रहना है तो वरना तो मारे वही जाते हैं जो विपत्ति के समय इधर उधर भागते हैं अकेले भागते हैं शेर आया दरवाजे पे और आप तलवार ढूंढ रहे हो तो इतने में तो शेर खा जाएगा आपको फिर तलवार ढूंढते रहना आप फिर बंदूक जो आपने खरीदी उसका क्या करोगे फायदा जब है जब शेर दरवाजे पे आए और आपकी तलवार दरवाजे पे 24 घंटे टंगी रहे आप दरवाजे से बाहर तब निकले जब आपके हाथ में तलवार हो फिर शेर आएगा नहीं आपके दरवाजे पे उसे पता है कि ये तो तलवार लेके आता है तो वो ऐसा दरवाजा ढूंढेगा जहां पे बिना तलवार के आदमी आता हो इसलिए ये शांति का समय है हालांकि अभी इतनी शांति नहीं है बहुत ज्यादा आप ये सोचें कि क्योंकि तो फिर भी औरों के मुकाबले क्योंकि संविधान है अगर आप जुड़ सकते हैं और जोड़ सकते हैं तो बच सकते हैं तो हमारी जो जिद है वो जिंदा रहने की है जुड़ने की है और बचने की है तो समर्ण संघ के अंदर सारी वो बुराइयां खत्म है क्योंकि तो समर्ण संघ में पहले से ही कोई बुराई होती नहीं थी ये तो हमें बहुत बाद में श्रवण संघ समझ में आया इसलिए जैसे ही समझ में आया वैसे ही सब लोगों ने आपको बताना शुरू किया ये कभी राजनीति में नहीं जाएगा जब राजनीति में नहीं जाएगा तो ये दल दल में फंसेगा नहीं ये दल बल में फंसेगा नहीं तो इसमें कोई आफत नहीं आने वाली है तो ये कभी पैसा नहीं लेता तो चंदे का काम नहीं करता तो इसलिए ये कभी टूटेगा भी नहीं क्योंकि तो इसमें पैसे का बंटवारा ही नहीं है जब इसमें पैसे का बंटवारा नहीं है तो पैसे वाले लोग इसमें झगड़ेंगे भी क्या 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 इसमें लेके जाएंगे तो कोई आदमी आ सकता है तो कहे तो मेरा तो पद पोस्ट और प्रधान बनूंगा मैं तो तो, तो, तो इसमें प्रधान का पोस्ट भी नहीं है इसमें पद भी नहीं है इसमें सेक्रेटरी का पोस्ट नहीं है इसमें कोई पद ही नहीं है जब इसमें पद नहीं है तो क्या झगड़ेगा क्या लड़ेगा तो इसमें सबका मान सम्मान बराबर है तो यहाँ सब एक दूसरे को सर कह के बोलते हैं और महिलाओं को बहन जी कह के बोलते हैं तो यहाँ सर के अलावा कोई तो दूसरा शब्द नहीं है तो भाई जब दूसरा शब्द नहीं है तो फिर तुम चने के झाड़ पे चढ़ोगे भी कहा या तो सारे सर हैं सबको सर कहना पड़ेगा छोटा है बड़ा है गरीब है अमीर है किसान है मजदूर है सारे सर हैं यहाँ तो तो सारी बहन जी है तो वहां भी मामला सारा बराबर है तो बैठते भी सब बराबर है जमीन पे बैठेंगे या कुर्सी पे बैठेंगे मगर सब बराबर है तो कोई मंच नहीं कोई माला नहीं कोई माइक नहीं तो कैसे भेदभाव करोगे ना तो मंच है ना माइक है ना माला है तो यहाँ ये भी भेद भेदभाव नहीं है कि तेरा खाना ऐसा और मेरा खाना ऐसा जो लोग खाना लेके आते हैं मीटिंग करते हैं तो पहले खाने को मिला लेते हैं कौन किसका खाना कर है वो तो समाज का समर्थ संघ का खाना हो जाता है जैसे ही आपने श्रवरण संघ की थाली में खाना डाला वो खाना फिर आपका नहीं है वो संघ का खाना है फिर आप संघ संघ का खाना खाते हैं उसमें भी भेदभाव नहीं है वो भी खत्म हो गया तो यहां किसी के यहां जब जाते हैं कार में जाना हो तो कोई एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं देखता कि अरे इसकी कार में जा रहे हैं तो ये पेट्रोल खर्च कर रहा है ये डीजल खर्च कर रहा है तो कहते भाई कार में बैठेंगे जब हिस्सा देंगे तब यानी पहले हिस्सा देंगे फिर बैठेंगे तो कार में बड़े मजे जाते हैं बस के किराए में कार का मजा लेते हैं तो यहां कार में जाते हैं आते हैं या कोई समस्या इस बात की नहीं आती है तो यहां एक नियम और भी है कि दूसरे शहर में जाएंगे कभी भी जाएंगे तीन सौ पैंसठ दिन तो जब वहां जाएंगे जिस भी समर समरसंगी के यहां रुकेंगे जाकर वहां उसको एक रात का बड़ा शहर है तो एक रात के खाने का रहने का पांच सौ रुपया देंगे कोई आपका मित्र है कोई आपका दोस्त है नहीं लेना चाहता वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है मगर उसका खर्च हुआ है उसका मानदेय है तो आप अपने अपने जितने कमरे हैं रूम हैं उनको हमेशा तैयार रखिए कोई एक्स्ट्रा रूम आपके पास है कोई एक्स्ट्रा चीज आपके पास है तो बताइए कि मेरे पास में एक रूम है जिसमें दो बेड हैं किसी को आना हो तो वहां आए तो दो फायदे होंगे उससे एक तो हमारे शहर में जान पहचान बढ़ेगी हमारा भाईचारा बढ़ेगा हमारा जो ह्यूमन नेटवर्क है जो मानव का जाल है वो बढ़ेगा दूसरा हमारा पैसा होटल में नहीं जाएगा तीसरा हमारी सुरक्षा रहेगी हमारा अपना घर का होगा अपना मोहल्ला होगा मोहल्ले के लोगों से मिलेंगे परिवार के लोग लोगों से मिलेंगे और चौथा हमारा पैसा जो होटल में दो हजार खर्च होने वाला है वो अब पांच सौ रुपया खर्च होगा और पांच सौ रुपया हमारे भाई के पास जाएगा तो पांच सौ रुपया उसका बढ़ेगा तो हमारा ही बढ़ेगा पैसा तो इससे व्यापार होगा लेन देन होगा तो और भी चीजें बढ़ेंगी जैसे कोई चीज लेके आए कोई कपड़ा है हमारे यहाँ सस्ता बिकता है तो ले आए तो वहां हमने बेच दिया तो फायदा होगा हमारे यहाँ ये आइटम है बनती है ये सस्ती है तो ले आई तो और आइटम होगा तो व्यापार स्टार्ट हो जाएगा यही तो व्यापार करते थे हम पहले पहले घरों से व्यापार चलता था पहले बाजार या हाट नहीं होते थे घरों में सामान रहता था घरों में आते जाते थे घरों से ही बिकता था पहले वो परंपरा फिर स्टार्ट हो जाएगी तो उससे बड़ा फायदा होगा तो यहाँ किसी भी हालत में कोई ग्रुपबाजी नहीं है क्योंकि संघ में कोई ग्रुप का कारण नहीं है फिर भी कोई आदमी अगर दूसरा कहे कि मैं संघ बनाना चाहता हूं तो बना ले भाई संघ बनाएगा तो पुराने नियम पर बनाएगा तो संघ एक ही बनेगा तो दो एक ही नियम पे जब यहां ना किसी को नेता बनना है ना यहां कोई नेता बन सकता है ना यहां कोई पद है ना पोस्ट है ना पैसा है ना कोई मंच है ना माला है ना माइक है तो करेगा क्या तो जाहिर सी बात है अगर कुछ उसकी नियत कुछ और होगी तो वो ग्रुप बन जाएगा संगठन बन जाएगा और नियत उसकी वो ऐसी होगी तो संघ में ही आएगा तो ज्यादा ज्यादा क्या कहेगा भाई संघ में मेरी ये बात मानो तो संघ सबके लिए ओपन है तो क्या कहता है संघ जिसकी जो बात है वो संघ में रखे संघ में प्रस्ताव रखे संघ में उसमें बहस होगी बहस में उसमें फिर वोटिंग होगी अगर संघ में बहुमत से वो बात पास होती है तो किसी की बात है, मानी जाएगी और चाहे कोई कितना ही बड़ा धन्ना सेठ हो कितना ही बड़ा पावरफुल आदमी हो वो कहे मेरी बात मानो तो भैया संघ में रखो और संघ उसकी बात नहीं मानता है गिरा देता है तो फिर बात नहीं मानी जाएगी और वो ये कहे मेरी बात तो गिरा दी मैं तो रहूंगा नहीं तो जाओ भैया तुमको संघ से अलग रहना है तो जाओ संघ में तो वही बात चलेगी जिसको संघ बुरा मानेगा तो जब संघ कोई निर्णय करता है तो वो कभी बुरा नहीं करता देखो एक व्यक्ति होगा दो व्यक्ति होंगे लालच में के लालच में कोई फैसला गलत कर सकते हैं मगर जब सारे ही बैठ जाएंगे तो उसमें अगर आधे लोग बिक भी जाएंगे तो आधे तो सही रहेंगे तो जो आधे लोग सही रहेंगे क्योंकि कोई आदमी सबको तो खरीदेगा नहीं अगर सबको खरीदेगा सबको लालच देगा तो फिर उसका फायदा क्या होगा तो आधो को भी अगर लालच देगा तो भी फायदा नहीं होगा तो एक को बेचना एक को तोड़ना एक को खत्म करना एक को मारना एक को पैरिस करना एक को ब्रेन अटैक करना एक को व्यापचार में डालना एक को दबाना एक को धमकाना किसी व्यक्ति को एक को बड़ा आसान होता है मगर संघ संघो समर्ण संघ को संघ को कोई नहीं ठट दे सकता समर्ण संघ नहीं मरता कभी दस पांच आदमी मर जाओ चले जाओ बाकी संघ रहता है तो संघ इसीलिए जीवित है पुराने समय से लेकर अब तक इसीलिए ये कंसेप्ट इतना अच्छी तरह से समझ में आ रहा है सबको इतनी अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो जिनको समझ में आ रहा है वो खाली समझ के घर नहीं बैठ रहे वो लगातार लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं अपनी रिश्तेदारी में अपने भाइयों से अपनी बहनों से क्योंकि जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है उसको ये समझ में आ जाता है कि ये मेरा पुरखों का कंसेप्ट है और मैं इसको ढूंढ रहा था ऐसे बहुत लोग हैं जो इसको ढूंढ रहे हैं आप कितनी जल्दी उन तक पहुंचेंगे ये आपके ऊपर है क्योंकि हमारे पास में मीडिया का जो साधन है वो जनरल वाला मीडिया नहीं है या तो हम वीडियो बना सकते हैं या ऑडियो बना सकते हैं या पंपलेट हैंडबिल बना सकते हैं या फोन कर सकते हैं या माउथ टू माउथ बात कर सकते हैं तो ये सारे काम आपको करने हैं पोस्ट आगे भेजिए वीडियो आगे भेजिए अपनी वीडियो बनाइए खूब वीडियो बनाइए समर समरसंकी जिसको जितना समझ में आता है उतनी वीडियो बनाइए जैसे डॉक्टर कंचन लता बनाती हैं रोज वीडियो बनाती हैं बहुत बढ़िया वीडियो बनाती हैं डॉक्टर कंचललाता जब यहां शुरू में आई थी तो वो सीख रही थी वो सीख गई हैं तो वो एक्सपर्ट हो गई हैं तो जो जो लोग एक्सपर्ट हो गए दो मिनट की वीडियो बनाइए तीन मिनट की बनाइए थोड़ा बोलिए थोड़ा लिखिए फिर आप धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे ऑडियो बनाइए व्हाट्सएप बनाइए मैसेज लिखिए फॉरवर्ड कीजिए और तर्क वितर्क भी कीजिए और सबसे ज्यादा काम कीजिए क्योंकि काम जितना ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी हमें आम मिल जाएंगे और अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें आम नहीं मिलने वाले फिर हमारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब होने वाली है और वही होने वाली है जो मरे का मांस खाने वाली पहले थी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अब मरे का मांस ना खाएं उनके सर पे कपड़े हों उनके शरीर पर कपड़े हों उनके सर पे छत हो उनके नीचे मोटरसाइकिल हो उनके नीचे कार हो वो खूब पढ़ें खूब लिखें तो एक और एक ही रास्ता है कि हमको इकट्ठा होना है क्योंकि संविधान उसी को सब कुछ देता है जिनकी संख्या जितनी भारी होती है बहुमत से ज्यादा होगी तो संविधान सारी बात मानेगा हमें आज तक जो भी कुछ मिला है संविधान से ही मिला है इसलिए संविधान से दोबारा मिलेगा और संविधान की एक कंडीशन है वी द पीपल वी द पीपल चाहिए उसको आई द पीपल नहीं चाहिए मतलब मैं लोग हैं ये नहीं चाहिए हम लोग चाहिए हम भारत के लोग चाहिए तो जितने जल्दी से हम भारत के लोग इकट्ठे हो जाएंगे उतनी जल्दी हमें सारा कुछ मिल जाएगा जो हमारा गया है वो भी मिल जाएगा और अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो आप कोई सी ताकत आजमा लेना सत्तर सालों में आपने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं चाहे वो पॉलिटिकल हैं चाहे वो सामाजिक उत्थान के हैं चाहे वो प्रबुद्ध भारत के हैं चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के बड़े बड़े जो एसोसिएशन हैं उनके हैं चाहे फेडरेशन हैं चाहे कन्फेडरेशन हैं चाहे लड़कों के दलबल के हैं चाहे एजुकेशन के हैं वो सारे के सारे जो काम किए उनके परिणाम जो आने थे वो आ गए अब नहीं आने वाले अब हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा ठीक ऐसे जैसे किसान इकट्ठे हुए ठीक ऐसे जैसे दो पहल फॉम इकट्ठे हुए हमको परमानेंट इकट्ठा होना पड़ेगा तब हमारी जान बचेगी इसलिए जिद्द है जुड़ने की जुड़ेंगे जीतेंगे पहले भी जुड़े हैं पहले भी जीते हैं अब फिर जुड़ेंगे फिर जीतेंगे और इस बार हम जुड़ के ही मानेंगे क्योंकि हर बार हम जुड़ के ही माने हैं और हर बार जीते हैं हम इस बार भी जीतेंगे और इस बार जल्दी जीतेंगे अगर हम अपना विचार छोड़ के काम पर लग जाए धन्यवाद आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं आप अपने फेसबुक पे अपने पेज पे अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूंजी आपकी है धन्यवाद रेण गच्छामि